रिश्ते बने हो अगर दिल की डोरी से, तो फिर नहीं टूटते हैं किसी मजबूरी से। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय और आप सब देख रहे हैं कैरियर पॉइंट क्लासेस में एक महत्वपूर्ण सेशन। आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी 3.0 बोले तो ये जो नई सरकार का गठन हुआ है, जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली है। और आज जब हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चुन लिया गया। दूसरी बार ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष के क्या काम होते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोदी और कितने मंत्री बनाएंगे, तो हम जानते हैं इस सेशन में कि जो लोकसभा का गठन होता है उसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मंत्री जो होते हैं उन मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, इन सब की चर्चा आज के सेशन में है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाँ मोदी जी हैं, इधर आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब लोग मंत्री हैं। ये सब लोग मंत्री हैं तो कैसे मंत्री हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ये जो नरेंद्र मोदी आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनकी फ़ोटो, ये जो हैं हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और मोदी जी ने इस बार जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है तीसरी बार 2014, 2019 और 2024, इसलिए हम मंत्रिमंडल को 3.0 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। ये आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको हम वित्त मंत्री के नाम से जानते हैं, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आप जो हैं रक्षा मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं आप होम मिनिस्टर हैं, बोले तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह बन गए हैं। और आप जो हैं बड़ा चर्चा में हैं इस समय, बड़ा चर्चा में है, और आप जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं और आपके कार्यकाल में ही आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम जो हुआ था और उनका जो पेपर आउट हो गया, तो बार बार लोग इनके ऊपर चर्चा। और आपने कल शपथ लेते हुए बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, तो बिहार से एक चुनकर आए हैं पप्पू यादव, एक सांसद निर्दलीय जीते थे, और वो एक टी शर्ट में जब वो शपथ ले रहे थे तो टी शर्ट ले रहे पहने हुए थे, उसमें री नीट का स्लोगन लिख के वो ले गए। तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि री एग्जाम दोबारा हो, और वो सारी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री के ऊपर है। तो ये मंत्रिमंडल है और इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो समझना है, उसके लिए मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि जो भारत में लोकसभा का गठन होता है उसमें कितने मंत्री होते हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसमें कुल कितने सदस्य चुनकर पहुंचते हैं। तो लोकसभा में आप जानते हैं अधिक से अधिक जो निर्वाचित होकर सदस्य पहुंचते हैं उनकी संख्या 543 है। कभी ये 545 हुआ करती थी जिसमें दो एंग्लो इंडियन है, लेकिन दो एंग्लो इंडियन को अब हमने ख़त्म कर दिया, हम 543, ठीक है। तो बेटा जो भारत में मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद बनता है, उसमें कहा गया है कि 543 का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया है, संविधान का संशोधन 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ है। इस संविधान संशोधन के तहत ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 15% हिस्सा मंत्री बनाया जा सकता है। वो मंत्री कौन कौन है आगे की सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो हमने कहा, हमने आपको बताया कि जो मोदी 3.0 करके जो मंत्रिमंडल बना है, कहते हैं स्पेशल 72, ठीक है, कितने मंत्रियों को शपथ ले, तो इसमें बेटा लगभग कैबिनेट मंत्री 30 हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 हैं, और राज्य मंत्री बोले तो 36। तो इन लोगों ने पहले मंत्रिमंडल में शपथ ली है, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, ये सब होता है। लेकिन हम अब समझते हैं इस सेशन में कि कौन होता है मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, और मंत्रिपरिषद क्या होता है, और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो चलिए हमने कुछ विशेष तौर से आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मंत्रिपरिषद। यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद लिखा है, मंत्रिपरिषद, और आप जानते हैं, और नीचे मैंने लिखा है संविधान का अनुच्छेद 74। हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, इन 395 अनुच्छेदों में अनुच्छेद नंबर 74 ये कहता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में, जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, ये सब 75 में लिखा है, लेकिन 74 में मंत्रिपरिषद कैसे गठित होगा उसका वर्णन है। तो हमारे एग्ज़ाम के जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने सभी साथी हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो गया, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हो गया कि वो कौन सा आर्टिकल है जिससे मंत्रिपरिषद का गठन होता है, अनुच्छेद 74।
पर, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो मैंने तीन गोले बनाए हुए, आप यहां देख रहे हैं, यहां उपमंत्री लिखा है, यहां आप देखिए यहां कैबिनेट मंत्री लिखा है, यहां आप देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा है। तो थोड़ा आप समझिए, आप कहते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग देखी होगी कैबिनेट विस्तार हो रहा है, तो भारत के मंत्रिपरिषद में मुख्यतः तीन तरीके के मंत्रालय होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा आपका हो सकता है उपमंत्री, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के सभी हिस्से कैबिनेट मंत्री को जोड़ दिया जाए, या मैं कहूं ऐसे करके हम आपको देखें, यहां पे मैंने मंत्रिमंडल को यहीं लिख दिया, आप उठाइए इसको राज्य मंत्री को मैंने यहां लिख दिया, और इसी में आप जोड़ दो उपमंत्री, तो बेटा भारत के मंत्रिपरिषद का अगर मैं पूरा पूछूं तो पूरा मंत्रिपरिषद जो है उसके अंदर कुछ मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, और कुछ मंत्री क्या होंगे, उपमंत्री होंगे। अब ये क्या होता है, तो कैबिनेट मंत्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपके कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, तो खासतौर से सुन लीजिए, हमारे यहाँ हमारे संघ की सरकार में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री बनता है, मतलब हर विभाग का जो मेन अध्यक्ष होता है, जो मेन होता है, जो मुख्य होता है, उसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं कृषि वाला मंत्रालय, ये जितने मंत्री होते हैं ना, जिनको आप जिनकी आप न्यूज़पेपर में रोज हेडिंग देखते हैं, रोज फोटो देखते हैं, वो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री उस विभाग का अध्यक्ष भी होता है। जैसे जो रेल मंत्री बनाया गया है, वो पूरे के पूरे रेलवे का अध्यक्ष होगा, उसको हम रेलवे मंत्री कहेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह है, वो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय संभालते हैं, उसके अंदर अर्धसैनिक बल आते हैं, उनके अंदर ईडी आता है, उनके अंदर सीबीआई, उसका जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, अमित शाह साहब होंगे। तो कैबिनेट मंत्री जो मेन मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब बेटा कैबिनेट मंत्री के बाद कुछ लोग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्या होता है स्वतंत्र प्रभार, हैं तो ये एक प्रकार के, ये भी मंत्री, मेन मंत्री जो हो गए वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आ गए, मेन मंत्री जो हो गए वो कैबिनेट मंत्री आ गए। ये जो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब ये है कि जो कैबिनेट मंत्रियों के जो विभाग हैं, जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण एक वित्त मंत्रालय है उनके पास, वो तो हो गए कैबिनेट मंत्री। अब वित्त मंत्रालय में काम ज्यादा है, उस काम को देखने के लिए और किसी मिनिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो राज्य मंत्री बना के रखे हैं उनको चार्ज दे दिया जाएगा, किसका, वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनकी मदद करने के लिए अगर कोई वित्त मंत्रालय में और मंत्री शामिल कर दिया जाता है तो उसको कहेंगे वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार उस मंत्री को मिला है, ठीक है। एक लिखा है उपमंत्री, इन दोनों मंत्रालयों की मेन तो हो गए भारत की संघ की सरकार के मंत्रिपरिषद में, मेन तो हो गए कैबिनेट मंत्री, उनकी मदद करने के लिए बना दिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसके अलावा और अगर थोड़ी ज़रूरत है तो कुछ उपमंत्रियों को इनमें चार्ज दे दिया जाता है। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो मंत्रिपरिषद का मतलब है अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रियों का समूह। इनमें मंत्री तीन प्रकार के होंगे, नंबर एक कैबिनेट मंत्री, नंबर दो राज्य मंत्री, और नंबर तीन उपमंत्री। राज्य मंत्री में सुपर स्वतंत्र प्रभाव का, अब यहीं पे एक चीज समझ लेना, तो कोई पूछे मंत्रिमंडल क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, ये जो मैंने मंत्रिमंडल लिखा है, तो बेटा भारत के संघ की सरकार में जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं इनको मिला के जब हम पढ़ते हैं उसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और ये मंत्र, और कोई पूछे मंत्रिपरिषद क्या है, तो हम कहेंगे मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, या मैं कहूं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब थोड़ी बात और समझिए, आपसे कोई अंतर स्पष्ट करने को पूछे, तो मंत्रिमंडल आकार में तो छोटा होता है, देखने से लग रहा है कैबिनेट मंत्री, इस बार मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं और टोटल तो 72 बनाए गए हैं, तो 30 आकार में कम होते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है लेकिन पावर में शक्ति में ज्यादा होता है, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। क्यों आकार में बड़ा होता है, पूरे के पूरे 72 मंत्रियों को जोड़ा जाए तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, और 30 को जोड़ा जाए जो मेन है, जो विभागाध्यक्ष हैं, उनको हम किसमें रखते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कैबिनेट मंत्री क्या होता है, और आप समझ पाए होंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या होता है और उपमंत्री क्या होता है। तो चलिए, इस जानकारी को आप औरों तक शेयर करिए और उनको समझने के लिए मदद करिए, और कोशिश करते हैं आगे फिर नई नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं और किसी सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।